बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 8 एनर्जी के लास्ट सेक्शन यानी ई को देख रहे हैं। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इन कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के हवाले से हम आज जो है ना डिस्कशन करने जा रहे हैं इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें जनाब जो पूछा गया है वो देख लेते हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है कि एनर्जी जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील होती है तो वो किन सूरत हाल के में होती है। यहाँ पे एग्जांपल हमें दी गई है, हम टेक्स्ट बुक का सहारा लेंगे। वहाँ पे जो फिगर मौजूद है, जो तस्वीर है, उसको देखते हुए फिर जो है ना इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप जब इस वीडियो लेक्चर को देखें अज़ीज़ तुलबा, तो आपने जो है मुतालिका सफ़ा जो है किताब का पेज वो ओपन कर लेना है और उसके मुताबिक पहले आप फिगर को देखेंगे और फिर इसके बाद सवाल को आप जो है ना समझने की कोशिश करेंगे, तब आपका जवाब समझ में आएगा इसका। जी मैं इसकी रीडिंग कर देता हूँ, फिर आप जो है ना इसको समझ लेंगे। मैंने टू दी पॉइंट नोट में इसको लिखा हुआ है। नेम दी एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर के नाम बताएं विच अक्कर व्हेन, जो वकूअ पज़ीर होते हैं जब कोई बोलता है माइक्रोफोन में। वन सेम वन व्हेन सम वन स्पीक इन टू माइक्रोफोन, ये हमारा पार्ट ए है क्वेश्चन वन का। और पार्ट बी में ये बताना है हमने कि व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस थ्रू स्पीकर, जब स्पीकर में हम कोई भी कंप्यूटर का, पीसी का, लैपटॉप का, टेलीविज़न का या जनाब टेप रिकॉर्डर का, उसके स्पीकर जब जो है ना उसमें से आवाज़ सुनते हैं, आवाज़ उसमें से जो है ना प्रोड्यूस हो रही होती है, तो उस वक्त क्या हो रहा होता है स्पीकर के अंदर, कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है स्पीकर में और कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है माइक्रोफोन में जब कोई माइक्रोफोन में बोलता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो कंडीशन हैं ए एंड बी, इसके जवाब लिखे हुए हैं। ये यानी कि माइक्रोफोन की सूरत में क्या होता है, ये यहाँ पर आंसर दिया हुआ है ए, साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि साउंड एनर्जी जो है जब कोई माइक्रोफोन में बोलता है, उसके मुंह के सामने माइक्रोफोन है या ज़रा फासले पे माइक्रोफोन है वो लगा हुआ है, या आजकल जदीद माइक्रोफोन आ गए हैं जो हम अपने लिबास के साथ अटैच कर लेते हैं, वायरलेस भी हैं और विद वायर भी होते हैं, केबल भी होती है, तो उसमें ये होता है कि बिल्कुल मुंह के सामने नहीं होते, साइड पर होते हैं हमारे, तो आवाज़ उसमें भी जाती है। और बड़े सेंसिटिव जदीद तरीन माइक्रोफोन आ चुके हैं मीडिया पर, आप देखते हैं स्टूडेंट, उसमें ये होता है क्योंकि बोल रहे होते हैं, बोलने वाले शख्स की मुंह से खारिज हो रही होती है आवाज़, आवाज़ जो होती है वो आवाज़ एक साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपने पढ़ा है इसमें यूनिट की रीडिंग में। तो साउंड एनर्जी जो होती है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और माइक्रोफोन में जैसे ही आवाज़ जाती है तो फौरन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, बिजली में तब्दील हो जाती है। ठीक है जी, तो आपने इसको देखा कि साउंड एनर्जी यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो गई, तो इसको ये कन्वर्जन यहाँ पर हुई है, ये तब्दीली हुई है, ट्रांसफ़र हुआ है। देन पार्ट बी में स्पीकर से जब आवाज़ पैदा होती है तो क्या हो रहा होता है कि स्पीकर का ताल्लुक भी जो है ना वो डेफिनेटली बिजली से है, बिजली स्विच ऑन होगा तो स्पीकर ऑन होगा, उसमें या तो ये बिजली होगी डायरेक्ट उसमें प्लग इन होगा या फिर उसमें ड्राई सेल भी होते हैं, यानी जैसे रेडियो पहले हुआ करते थे उसमें आप देखते थे कि ड्राई सेल ड्राई बैटरी, इसलिए यहाँ पर योगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी स्पीकर के अंदर इनटू साउंड एनर्जी, आवाज़ जो हम सुन रहे हैं स्पीकर में वो आउटपुट के तौर पर आ रही है, इसलिए तो आप ये देखेंगे ये कन्वर्जन हो रही है यहाँ पार्ट ए में और पार्ट बी में। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर टू पे देख लेते हैं। विंड इज ब्लोइंग अक्रॉस विंड मिल, एक विंड मिल लगी हुई है, उस में से हवा गुजर रही है, हवा
उसके ऊपर से गुजर रही है, विंड मिल के जो पंखे हैं जो पार हैं वो चल रहे हैं और हवा उसमें से गुजर रही है। विंड इज ब्लोइंग, द विंड मिल इज कन्वर्टिंग एनर्जी इन विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड मिल का काम भी यही होता है अजीज तुलबा डियर स्टूडेंट, कि वो जो हवा होती है उसको बिजली में तब्दील कर देती है, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, शोन इन फिगर। ये आपने टेक्स्ट बुक में देख ली है अपनी, पेज नंबर 102 पे है ये फिगर। आफ्टर पासिंग थ्रू अ विंड मिल विल देर बी एनी चेंज इन स्पीड ऑफ द विंड, क्या जो हवा विंड मिल में से गुजर रही है उसकी ब्लेड को टच करके गुजर रही है, तो क्या उस हवा की रफ्तार में कोई कमी आएगी या कोई ज़्यादती आएगी, कमी बेशी होगी, कोई किसी भी किस्म की कोई चेंज आएगी, या वही सेम उसकी स्पीड रहेगी? अगर आएगी तो क्यों आएगी, वाई? ठीक है जी, इसका हमने ये देखना है। पहले तो देखना है कि इज देर एनी चेंज, इफ़ यस डिक्रीज या इंक्रीज, तो फिर उसकी वजह बतानी है वाई, क्यों ऐसा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं द स्पीड ऑफ द विंड मिल, द स्पीड ऑफ द विंड विल बी इंक्रीज आफ्टर पासिंग थ्रू द विंड मिल। हवा की रफ्तार बढ़ेगी जब वो विंड मिल में से गुजरेगी। ठीक है, ये तो हो गया इसकी वजह से कि उसकी जो है ना इंक्रीज हो रही है स्पीड। यहाँ पर आप ये देखें कि एक तो ये होगी डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी आफ्टर पासिंग थ्रू दी विंड मिल। अब ये है कि ऐसा क्यों है, इसकी वजह भी बतानी है वाई। तो वाई का जवाब जो है ना यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हवा विंड मिल में से गुजरती है उसके परों को वो जनाब जो है ना क्रॉस कर रही है, तो उससे ये होता है कि हवा की स्प्लिटिंग होती है, हवा की स्प्लिटिंग होती है, हवा तकसीम भी हो जाती है उस वक्त, तो इसकी वजह से जनाब जो है ना हवा की स्पीड बढ़ जाती है। तो हम यहाँ इसका जवाब इस तरह इसको लिख भी सकते हैं, इट इज ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ विंड ब्लोइंग अक्रॉस अ विंड मिल प्लेट्स। ठीक है जी, ये वाई का भी जवाब आपके पास आ जाएगा। नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट एन एक्टिविटी। द डायग्राम शो वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ टैंक। डायग्राम टेक्स्ट बुक भी हमें ये दिखा रही है कि एक टैंक है उसमें से पानी बह रहा है थ्रू अ फॉसेट एंड रोटेटिंग अ व्हील। और पानी जब जनाब जाना एक टैंक में से जब निकलता है तो उसकी एक नोज़ल लगी हुई है, उसमें से जब पानी निकल के बह के आ रहा है तो उसमें एनर्जी है, उस जब वो पानी गिरता है एक व्हील पे तो व्हील यानी कि जो पहिया है वो घूमने लग जाता है, रोटेट करता है। आप टेक्स्ट बुक पे देखें पेज नंबर 102 पे, तो आपको ये डायग्राम वहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो ये तो है इस क्वेश्चन का असल में पस मंज़र, इसका बैकग्राउंड। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारे पास दो हैं ए एंड बी, उसका जवाब देंगे, उसका देने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आप देखें व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी डज द वाटर हैव व्हेन इट इज इन द टैंक। पानी में पानी जब टैंक में है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, यानी अभी वो निकला नहीं है टैंक से फॉसिल के ज़रिए, लेकिन उसमें कौन सी एनर्जी होगी, ये पूछा जा रहा है पार्ट ए में। और पार्ट बी में व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी डज द वाटर हैव जस्ट बिफोर इट हिट द व्हील। जब वो व्हील को पानी हिट करता है उससे टकराता है, तो टकराने से पहले उस पानी में एनर्जी कौन सी है जी। अगर आपने यूनिट को पढ़ा हुआ अच्छी तरीके से तो आप स्टूडेंट समझ गए होंगे
दोनों ए एंड बी के आंसर को। पानी जब टैंक में है, उसमें मौजूद है, तो उसमें उसकी हरकत की वजह से, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, ये होगी ए में। फिर उसके बाद जब वो पानी व्हील को हिट करने ही वाला होता है, करने से पहले, यानी वो क्योंकि गिर रहा है, तो उसमें जो है ना काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पानी फ्लो कर रहा है, पानी मूव कर रहा है, बह रहा है, तो जो एनर्जी एक मूविंग ऑब्जेक्ट में होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, ये हमारा पार्ट बी हो जाएगा। देन स्टूडेंट हम करते हैं सजेस्ट वन चेंज टू सिस्टम। सिस्टम में कोई एक ऐसी तब्दीली आप तजवीज़ करें दैट विल मेक द व्हील रोटेट फास्टर, जिसकी वजह से जो व्हील है, जो पहिया है, वो तेज़ी से घूमे। ऐसी क्या तब्दीली करें कि जब पानी उस पर टकराए, बहता हुआ पानी टैंक से जब वो रिलीज होके, तो वो पहिए से जब टकराए तो पहिया तेज़ी से मूव करे। उसके लिए शर्त है कि जनाब जो है ना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी तब ज़्यादा होगी जब वो पानी ज़रा ज़्यादा बुलंदी से गिरेगा, यानी टैंक ऊंचाई पे होना चाहिए। तो इसके लिए इसका जवाब आप देखें, जो मैंने यहाँ देने की कोशिश की है वो ये है, बाई इंक्रीजिंग द लेवल यानी ऊंचाई, बाई इंक्रीजिंग द लेवल यानी कि हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ टैंक, वाटर विल फॉल विद ग्रेटर स्पीड यानी हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी विच रोटेट द व्हील फास्टर। इससे ये होगा कि व्हील जो है ना वो फास्टर रोटेट हो जाएगा। ठीक है जी, डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे क्वेश्चन 3, उसके 3 पार्ट ए बी सी जिसे हमने यहाँ पे अटैम्प्ट किया। अब आखिर में जनाब जो है ना क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में, और यूँ हमारा ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। आ बाइकर इज गोइंग फ्रॉम रेस्ट एट पोजीशन 1, एक मोटरसाइकिल चलाने वाला शख्स जो है पोजीशन 1 से, जो कि रेस्ट की कंडीशन थी, उससे वो जा रहा है, यानी उसने अभी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं की थी, स्टैंडिंग पोजीशन में था, खड़ा हुआ था मोटरसाइकिल पे। तो वो शख्स जो ना उसने वो उसकी पोजीशन 1 थी, तो जैसे ही उसने मोटरसाइकिल चलाना शुरू की तो जारी बात है उसने ड्राइविंग शुरू कर दी। अब जब ड्राइविंग शुरू कर दी है तो डायग्राम आपके बता रही है पेज नंबर 103 पर, ठीक है, ये पेज नंबर 103 देखें आप, शो दी बाइकर इज बाइकर इन 4 पोजीशन, बाइकर 4 पोजीशन में, 4 हालतों में, एज शी या ही मूव अलॉन्ग अ ट्रैक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि वो जो बाइकर है वो लेफ्ट से राइट की तरफ उस रास्ते पे हरकत कर रहा है ट्रैक पे। तो ये डायग्राम आपको 4 पोजीशन बता रही है। तो इस कंडीशन को समझने के बाद आप 2 सवालों के जवाब देंगे ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर ए में क्या पूछा जा रहा है कि इन विच पोजीशन डज द बाइकर हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किस पोजीशन में बाइकर की कम से कम काइनेटिक एनर्जी है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ज़मीन की कशिश की वजह से मख्फी तवानाई उसमें है और क्यों है, ये पहला पार्ट है। ठीक है जी, वो यहाँ पर मैंने इसका जवाब लिखा हुआ है एट पोजीशन 1। पोजीशन 1 जो है, जब बाइकर जो है वो रेस्ट की कंडीशन में है और है भी वो ज़रा स्लोप पे, ढलवान पे, तो इसलिए उसकी एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, तकरीबन मिनिमम है या ना होने के बराबर है। देन उसके बाद आप देखें पार्ट बी, इन विच पोजीशन डज द बाइकर हैव मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड वाई।
पोजीशन जो टू है इस पर ये जनाब सूरत हाल रोनुमा होती है कि उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होती है वो मिनिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो ये तो पोजीशन आपके सामने मैंने मेंशन कर दी स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ उन्होंने दोनों सवाल में वजह भी पूछी है, वाई ऐसे क्यों है ये भी देखें, वाई यहाँ पे वजह बतानी है। पोजीशन तो बता दी, अब वजह भी बतानी होती है, तो वजह बताने के लिए मैं यहीं पर ही कुछ पॉइंट ऐड कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ लें। रीजन इज दैट बाइकर इज एट रेस्ट एट पोजिशन वन ऑन द स्लो ऑन द जस्ट डाउन हिल स्लो। और पार्ट बी में आप देखें, पार्ट बी में ए एंड बी में इसके नंबरिंग भी मैं आपको ठीक कर देता हूँ। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और बी से ये यहाँ इसकी नंबरिंग ठीक हो गई, और उसके बाद जो है ना आप यहाँ ये देखेंगे कि जब पार्ट बी में उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ इतना पार्ट हम करेंगे कॉपी और इसको यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। रीजन इज दैट बाइकर एट पोजीशन टू इज इन मोशन ड्यू टू ड्राइविंग बाइक, क्योंकि बाइक को वो ड्राइव कर रहा है और हरकत की हालत में है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो अजीज तुलबा, ये थी जनाब जो है ना कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के एक्सरसाइज। तो आपने देखा कि हमने इसको इस तरीके से डिस्कस किया, उम्मीद है आपको ये सवालों के जवाब समझ आ गए होंगे, आप इसको जो है ना अपनी नोटबुक पे हल कर लेंगे, अगर हो सके तो इसको अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर भी अगर स्पेस है तो वहाँ पर भी आप हिंट की शक्ल में इसको लिख लें, ये आपके एग्जाम में काम आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।